नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद NNTV में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ खबरें और देश और दुनिया की कुछ खबरों को लेकर नागपुर न्यूज टीवी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ है। सबसे पहले आज की रिपोर्ट, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने G7 की जो बैठक होने वाली थी उसे रद्द कर दिया है और इंडिया को भी आमंत्रित किया है। आगे की जैसी भी अपडेट G7 से रिलेटेड रहेंगी हम आपको बताएंगे। दूसरी न्यूज ये है दोस्तों आज की, के दिल्ली में एक ASI की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है और कोरोना वायरस से पुलिस कर्मियों की ये तीसरी मौत है। टोटल 3 मौत दिल्ली में कोरोना वायरस से हो चुकी है। दिल्ली से ही रिलेटेड एक न्यूज और ये है दोस्तों के मनोज सिसोदिया ने अभी अभी एक जानकारी दी है न्यूज के माध्यम से कि दिल्ली में जो दिल्ली के कर्मचारी है उनको सैलरी मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार का खजाना जो है लगातार खाली होते जा रहा है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का जो संकट है वो लगातार गहराता जा रहा है। इसी पर प्रशांत किशोर जो बिहार से आते हैं उन्होंने कहा है कि जो लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 जिसे कहा जा रहा है, वो उसके जो क्राइटेरिया, उसकी जो गाइडलाइन नहीं है, उस पर प्रशांत किशोर का ये कहना है कि हम तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। आगे की न्यूज ये है दोस्तों कि दिल्ली से पश्चिम बंगाल को एक बस जा रही थी प्रवासियों को लेकर, मजदूरों को लेकर, जो छत्तीसगढ़ में गिर गई है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से एक बस पश्चिम बंगाल के लिए जा रही थी जो छत्तीसगढ़ में गिर चुकी है। उसके बाद की ये न्यूज है दोस्तों कि भोपाल में जो है एक पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पोस्टर वॉर शुरू हो गया है दिल्ली में दोस्तों। जो दिल्ली की सांसद है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनकी जगह जगह लोग पोस्टर लगा रहे हैं, उनका पोस्टर लगा रहे हैं और पोस्टर का टाइटल ये है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर गुमशुदा, प्रज्ञा सिंह ठाकुर लापता हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्रज्ञा सिंह ठाकुर BJP से भोपाल की सांसद है और लगातार उनके क्षेत्र के लोग उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो उनके क्षेत्र के लोगों ने एक नया तरीका अपनाया है, उनके जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं और पोस्टर का ये टाइटल है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर लापता हो चुकी है, जिसे भी उनका पता मिले वो हमसे संपर्क करे। उसके बाद में दोस्तों एक न्यूज ये आ रही है सामने कि एक सर्वे कराया गया है पूरे हिंदुस्तान में साफ पानी के लिए। जैसे गर्मी का मौसम चालू है, लगातार हम NNTV के माध्यम से आप लोगों को सतर्क करते हैं कि दोस्तों पानी जो है वेस्ट ना किया जाए, पानी को बेवजह बर्बाद ना किया जाए। तो एक सर्वे के मुताबिक हर साल हिंदुस्तान में 2 लाख लोगों की मौत होती है साफ पानी के अभाव से। साफ पानी ना मिलने की वजह से हर साल 2 लाख लोगों की मौत हिंदुस्तान में हो जाती है। और दोस्तों एक कानून मुंबई पुलिस ने लाया था 23 मई को जो 8 जून तक चलेगा। इस कानून के तहत सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, अगर COVID-19 से रिलेटेड कोई भी गलत अफवाह, कोई भी गलत न्यूज अगर आप चलाते हो तो उस ग्रुप के एडमिन को धारा 188 के तहत सजा का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में एक न्यूज नागपुर से है। नागपुर में अब्दुल हमीद अंसारी, जो कि नई बस्ती से 1997 में नगर सेवक रह चुके हैं, पूर्व नगर सेवक है, उन्होंने अपने क्षेत्र में 120 लोगों के राशन कार्ड बनाए हैं लॉकडाउन के पीरियड में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज है ये कि लॉकडाउन के पीरियड में, जैसा हमने नागपुर न्यूज के माध्यम से एक न्यूज चलाई थी कि जिस किसी का भी राशन कार्ड नहीं है, जैसे कोई बाहर के लोग यहाँ फंसते हैं बंगाल से, गुजरात से और दूसरी छत्तीसगढ़ से, दूसरी जगह से, जो लेबर, जो वर्कर्स, जो हैंड एम्ब्रॉयडरी के कारीगर नागपुर में आके काम करते हैं और अचानक से लॉकडाउन हो गया, उनके पास में राशन की प्रॉब्लम हो गई, तो हमारे वसई साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऐसे लोगों के लिए टेम्पररी राशन कार्ड बनाया जाएगा। तो उसी से रिलेटेड अब्दुल हमीद अंसारी ने
120 लोगों के राशन कार्ड बनाए हैं, उस राशन कार्ड से 8 रुपए किलो गेहूं और 12 रुपए किलो चावल उन लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। अगर वो लोग कंटिन्यू नागपुर में रहते हैं तो उस राशन कार्ड को कंटिन्यू फिर आगे बढ़ाया जाएगा और जो 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए किलो चावल नॉर्मली राशन कार्ड वालों को मिलता है वो फैसिलिटी उनको मिलना शुरू हो जाएगी। समय से अपने गरीबों की मदद करने का बेड़ा उठाया, जितना भी बनेगा अपनी मदद करेंगे और मदद करने के साथ साथ में अपने पहुंचे मुकाम पे पहुंचने के कारण ये कि अपन ने बोले कि जिसके पास कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड नया बना के देंगे, नया कार्ड के साथ साथ में जिला अधिकारी राशन डिपार्टमेंट वगैरह और वो सब अपने मुहैया करवा रहा और उनको भी लेके दो। अच्छा 120 राशन कार्ड के साथ में 120 किट भी जिला अधिकारी कार्यालय से मिली के साथ, तो वो किट में क्या क्या था कुछ डिटेल हमारे दर्शकों को बताइए। चावल है, गेहूँ है, 1 किलो तेल है और शक्कर 1 किलो, दाल है 1 किलो और चाय पत्ती है, सभी आइटम को मतलब जो। अच्छा तो ये जो 120 राशन कार्ड ये टेम्पररी राशन कार्ड है या परमानेंट राशन कार्ड है? नहीं, इसको कंटिन्यू अगर अनाज उठाते हैं, ये 12 रुपए चावल और गेहूँ 8 रुपए गेहूँ डिक्लेयर किया रेट। अच्छा करने के बाद में बाद का आरसी नंबर वगैरह देके इसको कंटिन्यू काट के। अच्छा अभी ये इसके आरसी नंबर अभी जनरेट नहीं हुए हैं। हाँ तो इसका ये जो 120 लोगों का आपने राशन कार्ड बना के दिया है ये कौन कौन से एरिया से है? ये अपने टेका नई बस्ती है, फारूक नगर है और अजीत नगर है, अपना खंते नगर है, माजरी है, पीली नदी है और भी कई एरिया से जुड़े हुए हैं जहाँ जहाँ लोगों का दिया गया। दुकान 3 दुकान से ज़्यादा मतलब करते हैं, सिद्धार्थ कम्युनिटी मनमानी, साहू किराना स्टोर, शर्मा किराना स्टोर, ये सब 3 हज़ार दुकान। अच्छा इसमें सभी धर्मों के लोगों का आपने काम करके दिया है ये? हाँ, मैं एक दो लोग दूसरे भी देने जा रहे हैं उनको भी करके दिया है, क्योंकि अपना काम यही था कि सबके काम करके देना है, इसमें कोई समाज से लेना देना नहीं। जी जी हाँ, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत को ही देखिए अपने। बहुत अच्छी बात कही आपने ये। तो ये वितरण अभी आपने कर दिया है इन लोगों को? सबको सारे लोगों का कार्ड दिए, तो आप जिनसे कोई पैसा नहीं लिया गया। अच्छा ये फ्री में बना के दिया? फ्री में बनाया गया, इतने पूरे दौड़ भाग करके सारी कोई तकलीफ नहीं हुई इनको, सारा काम दौड़ भाग करके इनसे आप इनसे चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम अभी नई बस्ती में हैं। अब्दुल हमीद अंसारी जो कि यहाँ के पूर्व नगर सेवक भी रह चुके हैं 1997 में, लेकिन लगातार सामाजिक काम करने में उन्होंने कभी पीछे नहीं हटा, लगातार सामाजिक काम करते रहते हैं। और आज देख सकते हैं आप यहाँ पर में ये लेडीज हैं, हम इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी थोड़ा सा आग्रह करेंगे कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन जगह छोटी होने के कारण थोड़ा सा तकलीफ है। तो कोई लेडीज कुछ बताना चाहेगी? आपका नाम बताइए। तो ये जो राशन कार्ड बनाया आपने इसमें कुछ पैसे खर्चा किए क्या? नहीं नहीं, कोई पैसे खर्चा नहीं किए जी। अभी तक के जो भी काम लॉकडाउन को खैर छोड़ो, लॉकडाउन में भी बहुत लोगों की मदद करे, गरीबों की भी। हाँ अभी तो सभी मजबूर है, मगर क्या बोलते हैं लॉकडाउन के पहले भी कोई चीज़ की प्रॉब्लम रही, कुछ भी रही, तो हमें भी बराबर मदद करते हैं, जब भी उनके दरवाजे पे और कभी खाली इंसान नहीं जाता, अभी किट से, राशन से, पैसे से, हर बात से मदद करे। अच्छा आपका कहाँ पे रहना है? बस नहीं रहती, नई बस्ती में। अच्छा आप नई बस्ती में रहते, तो आप कितने सालों से अब्दुल हमीद अंसारी साहब को जानते हैं? 17 साल से। अच्छा 17 साल, 17 साल के इनकी करियर में कभी ऐसा कोई मुकाम कि इन्होंने आपको आपका कोई काम नहीं किया हो? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, हम जब भी इनके दरवाजे पे बराबर काम करें, अच्छे इंसान है, अपनी पब्लिक भी जानती है, जहाँ तक हो सके हम खुद इनको लाने की बहुत कोशिश करें, किस्मत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जितने यहाँ पे लेडीज है जेंट्स है सबके हाथ में राशन कार्ड है, ये आप देख सकते हैं कि ये और ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसीलिए हम ज़्यादा लोगों को यहाँ नीचे नहीं लाए हैं। तो दोस्तों नई बस्ती से कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ मैं मोहम्मद शहजाद NN TV पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस लाइव वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए नागपुर न्यूज़ TV के साथ।